हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 प्रोडक्ट्स अंडर 50 रुपीज। इससे पहले भी मैंने एक ऐसी वीडियो शेयर की हुई है आप लोग के साथ जिसमें मैंने टॉप 20 प्रोडक्ट्स आप लोग को दिखाए थे अंडर 100 रुपीज। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा। और जल्द ही मेरे चैनल पे गिव अवे आने वाला है, सो पार्टिसिपेट जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं सिर्फ मेकअप ही शेयर नहीं करूंगी बल्कि मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी शेयर करूंगी जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। वैसे तो मेरे पास 50 रुपीज के अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं ऐसे ही कोई रैंडम प्रोडक्ट आप लोग को नहीं दिखाना चाहती थी। मैं ऐसे प्रोडक्ट आप लोग को दिखाऊंगी जो कि बहुत ही यूजफुल है, जो मुझे यूजफुल लगते हैं। सो यस, तो चलिए देखते हैं मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है। सो गाइस, जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो फीमेल हाइजीन से रिलेटेड है। सो वो है बेला के इंटीमेट वेट वाइप्स। आपने फेस वाइप्स तो सुने ही होंगे, बट ये इंटीमेट वेट वाइप्स है और ये हर लड़की को कैरी करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते हैं गर्ल्स। तो क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, उससे ना क्या होता है इन्फेक्शन वगैरह होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें इस तरह के वेट वाइप्स यू नो रखने चाहिए जिससे कि हम क्लीन कर सकते हैं पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने के बाद। सो यस, इसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल फ्री है और ये पीएच को मेंटेन करके रखता है। सो बहुत अच्छी बात है। इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, बट ये आपको डिस्काउंट पे इजिली मिल जाता है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब जरूर से बाय करो गाइस, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट आपको हमेशा कैरी करना चाहिए जब भी आप ट्रैवल करो। मैं बहुत ही ज्यादा यू नो यूज करती हूँ इस टाइप के प्रोडक्ट्स। और आपको यू नो टॉयलेट स्प्रे जो आते हैं, सैनिटाइजर स्प्रे कुछ ऐसा आता है मेरे पास है, वो पी सेफ करके है, तो आपको इस टाइप की चीजें भी कैरी करनी चाहिए। वो थोड़ा सा कॉस्टली था तो इस वीडियो में नहीं दिखाया, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वो चीजें भी कैरी करो। इसे हाइजीन मेंटेन रहती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस नहीं होते, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स आप यूज करते हो तो इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी होता है। सो यस, तो फर्स्ट प्रोडक्ट यही था। जितने भी प्रोडक्ट है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और जिनका नहीं मिलता है वो आपको इजिली मार्केट में मिल जाएंगे। सो यस। सो गाइस, नेक्स्ट मेरे पास ये इंगेज का पॉकेट परफ्यूम, जो मेरा वेरिएंट है वो है स्वीट ब्लॉसम। सो इसमें लिखा हुआ है 24 आवर तक स्टे करता है। सो ये से बहुत ही लंबे टाइम तक स्टे करता है। इसमें हमें क्वांटिटी मिलती है 18.8 ml एंड इसका प्राइस है 60 रुपीज, बट डिस्काउंट पे आपको इजिली मिल जाएगा। सो यस गाइस, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट बहुत 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 अच्छी फ्रेग्रेंस है। लाइक मैंने इसको रिपर्चेज किया इतनी बारी आपको मैं बता नहीं सकती। मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगा, मैंने और पॉकेट परफ्यूम ट्राई किए हैं बट ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। ये जो स्वीट ब्लॉसम करके है ना, ये वाला आप बाय करिएगा तो आप देख सकते हो पर्पल सा ऐसे कुछ पैकेजिंग में है, ये ही बाय करिएगा गाइस। इसकी फ्रेग्रेंस ना अल्टीमेट है एंड बहुत टाइम तक स्टे करती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपने हाई एंड परफ्यूम अप्लाई कर रखा है, ऐसा नहीं लगता है कि यार इतना सस्ता वाला अप्लाई कर रखा है। बहुत सही वाला यू नो परफ्यूम है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना ना भूले और बाय करना भी ना भूले। यस। सो गाइस, नेक्स्ट मेरे पास ये वाइट टोन का फेस पाउडर है। बिगनर्स के लिए मैं इसको ही सजेस्ट करूंगी। आप इससे अपना बेस भी सेट कर सकते हैं और बेकिंग भी कर सकते हैं। आप जॉनसन्स में भी फेस पाउडर भी यूज कर सकते हैं और इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमें टोटल मिलती है 30 ग्राम क्वांटिटी। इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो यस गाइस, ये कितना क्यूट सा है और ये बहुत सही वाले पाउडर होते हैं गाइस, क्योंकि बिगनर्स को मैं सजेस्ट नहीं करती कि आप इन्वेस्ट करो कॉम्पैक्ट में और लूज पाउडर्स में। आप इस टाइप के पाउडर बाय कर सकते हैं, उससे आपका बेकिंग भी हो जाएगा, आपका बेस भी सेट हो जाएगा और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे ज्यादा। मैं भी अभी इनको यूज करती हूँ, मुझे बहुत सही लगते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है बायोटिक का पाया पपाया टैन रिमूवल स्क्रब एंड इसमें हमें टोटल मिलती है 50 ग्राम क्वांटिटी एंड इसका प्राइस है 75 रुपीज। सो ये हमें 50 to 55 का मिल जाता है। सो 5 रुपए तो हम एक्स्ट्रा पे कर ही सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज ये बहुत सही वाला प्रोडक्ट है। व्हाइट हेड ब्लैक हेड को तो बाय बाय करता ही है, बट ये टैन को भी रिमूव कर देता है। ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है लेकिन मैं सेंसिटिव स्किन को सजेस्ट नहीं करूंगी। सो यस, आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी बुरी तरीके से यूज कर डाला है, बस इसको काट के यूज करना बाकी रह गया है जो कि जल्दी यूज में ले लूंगी मैं इस तरीके से भी। सो आप लोग को दिखाना था इसलिए मैं दिखाना चाह रही थी। मुझे स्क्रब गाइस बहुत अच्छा लगता है एंड बायोटिक के प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है प्लस वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं। सो यस, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे होंगे मेकअप का, तो चलिए मेकअप प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट मेरे पास है एमएन के जनरेशन सेकंड की आई एंड लिप पेंसिल, जो ग्रीन से कलर में है। जो मेरा शेड है वो है 011। सो गाइस, इसकी पिगमेंटेशन देखिए आप कितनी सही वाली इसकी पिगमेंटेशन है।
सो गाइस पिगमेंटेशन इसकी बहुत शानदार है, इसको आप एज अ काजल यूज कर सकते हो, लाइनर की तरह यूज कर सकते हो, आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हो। जस्ट आईलिड पे अप्लाई करो, उसके बाद इसको स्मज कर दो तो बहुत अच्छा सा एक स्मोकी लुक आ जाएगा। सो यस गाइस ये मुझे बहुत सही वाली लगी, मैंने अभी तक इसको वीडियो में शो नहीं किया। मैंने इसको 10-20 रुपीज चैलेंजेस के लिए लिया था बट अभी तक मौका मिला नहीं। सो यस, और गाइस इसमें बहुत ही सारे कलर्स ऑप्शन थे तो आप चूज कर सकते हो कोई भी। मैंने इसको सरोजनी में भी देखा था, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो कहीं भी मिल जाती है इसलिए, उसके बाद मैंने बहुत सी यू नो शॉप्स में इसको देख लिया। सो मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने भी इसको बाय किया मेरे पास देखने के बाद, उन्होंने इसको यूज किया फिर बोलते हैं अरे कितनी की, मैंने कहा 10-20 रुपए में मिल जाएगी, तो उनका ना रिएक्शन ऐसा था कि है ऐसा भी हो सकता है क्या, इतनी सही वाली पेंसिल है गाइस, आप भी इसको ट्राई करिएगा। ये है एमन की मीना जनरेशन 2 की आई एंड लिप लाइनर। सो यस नेक्स्ट मेरे पास ये स्पिंच की बीबी क्रीम गाइस, ये बहुत सही वाली क्रीम है। इसमें हमें टोटल मिलती है 15 ग्राम क्वांटिटी और इसका प्राइस है 52 रुपीज। सो यस, और इसका एक 10 रुपीज का पाउच भी आता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, फिर आपको अच्छी लगे तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। सो मैंने इसको एक वीडियो में भी आपको दिखाया था यूज करके। सो आपने अगर लैक्मे का मूज फाउंडेशन यूज किया है ना तो बिल्कुल सेम कंसिस्टेंसी इसकी येलो अंडरटोन में है। सो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत सही वाली है एंड बहुत अच्छे से यू नो स्किन में ब्लेंड हो जाती है। सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगी और अच्छा सा कवरेज भी आपको देती है और सनरेज से भी आपको प्रोटेक्ट करती है। सो और क्या चाहिए यार, ये देखिए बहुत ही अच्छी है और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए भी अच्छा रहेगा बिकॉज ये थोड़ी सी क्रीमी है। सो यस, सो गाइस इसको मैंने आपको एक वीडियो में शो किया था, यूज करके भी दिखाया था, लाइक 10 रुपीज चैलेंज था या 20 रुपीज चैलेंज था, कुछ चैलेंज था जिसमें मैंने इसको यूज किया था। एंड फिर उसके बाद मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने बाय किया था एंड उन्होंने मुझे फिर इंस्टा पे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि उनको ये बहुत ही अच्छी लगी। सो अगर आप ये वीडियो देख रही है तो आप नीचे कमेंट करके भी बताना जिससे कि और लोगों को पता चल सके कि हाँ यार ये बहुत सही वाला प्रोडक्ट है। ये नहीं है कि आपको एक साथ भर के अप्लाई कर लेनी है, ऐसा आप किसी भी फाउंडेशन के या बीबी क्रीम सीसी क्रीम के साथ ना करो, क्योंकि क्या होता है एक साथ भर के अप्लाई करोगे तो मेकअप जो है आपका केकी लगता है। सो आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करा करो हर चीज को। सो यस, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो गाइस, ये बहुत सही है एंड बहुत बहुत सही है, बहुत अच्छी कवरेज भी है इसकी। तो गाइस नेक्स्ट मेरे पास है सैवलॉन का पेन सैनिटाइजर स्प्रे, आप देख सकते हो स्प्रे फॉर्म में है, सैनिटाइजर है ये। इसमें टोटल हमें 100 प्लस स्प्रेस मिलती है, इसका प्राइस है 49 रुपीज। सो गाइस ये सैनिटाइजर स्प्रे फॉर्म में है एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है गाइस वो बहुत ही सही है। सो यस, आप इसको यूज कर सकते हैं गाइस, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ट्रैवलिंग के लिए काफी यूज करती हूँ। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। सो गाइस नेक्स्ट मेरे पास है ये गुड वाइब्स की हवाना मैंगो फेस क्रीम एंड इसका जो प्राइस है वो है 55 रुपीज। इस पर टोटल हमें 10 ग्राम क्वांटिटी मिलती है, ये एक एज डिफाइंड फेस क्रीम है। सो इसमें ना पैराबिन नहीं है, सल्फेट भी नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है और मिनरल ऑयल भी नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट मेरे पास है गुड वाइब्स का ग्रीन टी प्योरिफाइंग फेस वॉश। सो इसका जो प्राइस है वो है 25 रुपीज एंड इसकी क्वांटिटी है 10 ml। इसमें भी पैराबिन नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है और इसकी फ्रेग्रेंस भी गाइस बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी वाली फ्रेग्रेंस है एंड ना आपके जो भी यू नो डर्ट और इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव कर देगा। सो गाइस आप सोचोगे कि प्रोडक्ट सिखाने की क्या नीड है, इतनी तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी बार क्या होता है हम ट्रैवल करते हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स के साथ ही बाहर जा रहे हैं, सुबह गए शाम तक आ रहे हैं, तो उस बीच में जैसे हम कहीं बाहर गए तो फेस वॉश हम करते हैं तो हमारा जो यू नो मॉइस्चराइजर नहीं है तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ठीक है। सेकंड, काफी बार हम फेस वॉश ही नहीं करते ये सोच के कि यार फेस वॉश है ही नहीं, करें कहां से, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्यूब्स आती है उनको कौन कैरी करेगा। सो आप इस टाइप की चीजें कैरी कर सकते हो, अगर आपको नीड लगती है कि हाँ यार मुझे फेस वॉश करने की नीड है तो आप कर सकते हो। इसलिए मैं आप लोग को ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत यूज आते हैं, मुझे बहुत यूजफुल भी लगते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। सो यस, सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उनको आप मेरी वीडियोस में बहुत ज्यादा देख चुके हो और पक गए होगे देख देख के, क्योंकि मैंने बहुत बार उनकी तारीफें कर रखी हैं। सो वो है ये लूज ग्लिटर्स, आप देख सकते हो मेरे पास एक है गोल्डन कलर में और एक है सिल्वर कलर में। सो ये ना पाउडर फॉर्म है, चंकी पार्टिकल्स वाली नहीं है, ये जस्ट 10-20 रुपए में आपको इजिली मिल जाएंगी। सो यस, और आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो, एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो। मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको यूज करना बता रखा है कि मैंने किस टाइप से यूज करा है और इनके कितने यूजर्स हैं। सो यस, तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं। सो ये देख सकते हैं आप पिगमेंटेशन कितनी सही है और ये देखिए कितना सही वाला ग्लो दे रहा है। सो इसको आप ऐसा हाइलाइटर यूज कर सकते हो, आई शेडोज की तरह भी यूज कर सकते हो और नेल आर्ट वगैरह करते हो तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो। सो यस, बहुत ही यूजफुल है ये।
सो गाइस मैंने आपको टोटल 10 से 11 प्रोडक्ट शो कर दिए हैं, बट मैं आपको एक बोनस प्रोडक्ट शो करना चाहती हूँ जो कि मेरा फेवरेट है और मैं चाहती थी कि मैं आप लोग को दिखाऊं उस प्रोडक्ट को. सो यस, वो है सबका, इन सबका माँ बाप. यस, सो वो है ये वैसलीन. सो आप देख सकते हो इसका प्राइस है 5 रुपीज और इसमें हमें टोटल मिलती है 7 ग्राम क्वांटिटी. गाइस ये बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है. मैं कोई भी बेबी लिप्स वगैरह यूज नहीं करती हूँ, मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ. गाइस ये बहुत अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट करता है और विंटर्स हैं तो विंटर्स में ये बहुत काम आने वाला है, तो इसको बाय कर लेना, बहुत सही वाला प्रोडक्ट है. और कौन कौन ऐसा है जो वैसलीन यूज करता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे. सो यस, मैं तो इसी को यूज करती हूँ एंड मुझे बहुत सही लगता है प्रोडक्ट. सो ये है आपके लिप के लिए एक बोनस प्रोडक्ट. कुछ लोग ना, मैं जब इस टाइप की वीडियोस डालती हूँ तो कमेंट आते हैं कि आप कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो या पहले तुम ऐसे नहीं थी अब ऐसी हो गई हो. सो मैं हमेशा से ही ऐसी थी, मेरा यही नेचर है, मैं हमेशा से ऐसे खुश रहने वाली और इस टाइप की हूँ. बट स्टार्टिंग में जो क्या होता है कि हमें ना थोड़ा सा कैमरे से डर लगता है, लेकिन अभी मैं ना आप लोग के साथ खुल चुकी हूँ और मुझे डर नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है यार आप लोग मेरी फैमिली हो, सो जैसी मैं हूँ वैसी ही मैं खुद को आप लोग के सामने दिखाऊँ कि हाँ भैया मैं ऐसी हूँ. सो यस, तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे होती है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. और आप मुझे और बताइए और क्या आप देखना चाहते हैं वीडियो, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना. सो यस, और आप चाहते हैं Q&A तो प्लीज मुझे बताना. मैंने एक बार पहले शूट कर लिया था आपके कहने पे, बट क्या वो वीडियो डिलीट हो गई मुझसे गलती से और इसकी वजह से मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई. फिर उसके बाद आप लोग की काफी रिक्वेस्ट भी आई और उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला शूट करने का. सो अगर आप चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी और अपनी कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगी, सो आप वहां पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.